आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में लेकर प्रोग्राम अंदाज अपना अपना। सबसे पहले दोस्तों, हम मुबारकबाद देते हैं आपको गणेशोत्सव की और ईद उल अज़हा, जिसका आपकी आज आखिरी दिन है। इन दोनों त्योहारों के विषय में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। भगवान गणेश की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने अपने पूरे संसार को अपने माँ बाप के इर्द गिर्द ही पाया। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों ने कुमार कार्तिकेय, जो बड़े भाई थे इनके गणेश की, और गणेश इन दोनों से कहा कि आप दोनों पूरे संसार की परिक्रमा करके आइए, जो पहले पहुंचे पहुंचेगा वही समझ लेंगे हम कि अपने माता पिता को बहुत प्रेम करता है। कार्तिकेय निकल पड़े, पूरे विश्व का संसार का भ्रमण करने के लिए, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता जो जहां बैठे थे वो उसके आसपास के पूरे एरिया की परिक्रमा की, यानी अपने माता पिता की परिक्रमा की और वापस आए। तब से उन्हें ये वरदान दिया गया कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश का नाम आएगा, और आज भी ये होता है, हर कार्य से पहले श्री गणेश किया जाता है, ऐसा कि आप जानते हैं। और जहां तक हम ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो ये वो ईद है जिसमें कुर्बानी के बारे में बात की जाती है कि आप हजरत इब्राहिम की हम अगर बात करें तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी खुदा के हुक्म पर, वो उन्हें लेकर चले, खुदा ने उनका इम्तिहान लिया, उन्हें कहा कि जो चीज तुम्हें सबसे अजीज हो उसकी कुर्बानी मेरे हुजूर में दो। तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले चले, और जब उसे कुर्बान किया तो खुदा ने उनकी मदद की, उनके बेटे को वहां से हटाया और एक जानवर वहां रख दिया गया। उस दिन से यह रस्म अदा कर दी गई। लेकिन इस कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी जानवर को कभी भी खरीद लें, यानी ईद उल अज़हा से एक दिन पहले भी आप खरीदें और उसको आप ज़िबा कर दें, कोई कुर्बानी दे दें उसकी। ये कुर्बानी का कोई सवाब नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। पुण्य उस कुर्बानी का तब होगा जबकि आप उस जानवर को, जिसे आप कुर्बानी दे रहे हैं, जिसकी उसे अपनी औलाद की तरह पालें, कम से कम 1 या 2 साल उसकी परवरिश अपनी बच्चों की तरह करें, फिर जब आप उसकी कुर्बानी देंगे तो आपको तकलीफ होगी। क्योंकि हमें याद आता है, ये पहले ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदयः कस्य स्विद्धनम्। अर्थात इस संसार में केवल एक ईश्वर ही ऐसा है जो कि हमेशा कायम रहेगा, हमेशा रहेगा, बाकी सब नश्वर है। ये सोच के, ऐसा विचार करके, इस कारण से त्याग की भावना से भोग करो। इसीलिए कहा गया कि किसी भी वस्तु को अपनी न समझिए, कोई भी चीज संसार में नित्य नहीं है, अपना नहीं है। कुर्बानी की भावना इसलिए दी, ये जो कुर्बानी का जो कंसेप्ट है इसलिए रखा गया है कि आपको त्याग करना आए, मोह को त्याग करना आए, किसी भी चीज के प्रति मोह न करें आप। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।
दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, हे कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। साय में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, साय में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, दुश्मनों के जाने दुश्मन, यार सच्चे यारों के हम यार सच्चे यारों के, ओ आंधी आए या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान, आंधी आए या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। खिल गया यार ऐसा मिल गया, दिल हमारा खिल गया, हाथ में जब हाथ आया ये जमाना हिल गया, ये जमाना हिल गया, ओ दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, दो हाथों की देखो शान, ये अल्लाह है ये भगवान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें, तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिस्निंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
दोस्तों एक बार फिर से हम खैर मकदम करते हैं आपका इस प्रोग्राम में, इसका नाम है अंदाज अपना अपना और हम हैं आरजे साहब और आपने ट्यून किया हुआ है इस वक्त रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ शो है अंदाज अपना अपना। आप हैं हमारे साथ और हम हैं आपके साथ और हम लोगों का जो ये खूबसूरत सफर है बहुत खूबसूरती से कट रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं महबूब की, मोहब्बत की। और अगर हम एक महबूब की हैसियत से देखें, बात करें, तो उसकी महबूबा, एक महबूब की महबूबा सबसे खूबसूरत होती है। और जानते हैं उसकी खूबसूरती की सबसे शानदार क्या जो उसकी क्वालिटी होती है, यूं कहें कि कौन सा जेवर, वो नेचुरल जेवर जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, जानते हैं वो क्या होता है? सोचिए, वो है जुल्फ। इसीलिए कहा गया है कि ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर समर जाए तो अच्छा। जुल्फ दोस्तों, जुल्फ बंगाल बहुत मशहूर है और जुल्फ जितनी लंबी और पेचीदा होती है उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होती है। जानते हैं दोस्तों, एक आशिक के लिए अपनी माशूका की जुल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है और वो दुनिया की हर चीज से ज्यादा उसकी हिफाजत करना चाहता है। जुल्फ ही महबूबा की शख्सियत का कभी कभी आईना भी बन जाती है। किस तरह, आइए देखें। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। कैसी है, जंजीर जैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। पसंद हो क्या तुम रजामंद हो, मैं तो रजामंद हूँ। बोलो चुप क्यों हो, मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। मैं तुमसे क्या बोलूं, तकदीर कैसी है। वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर कैसी है। वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है।
पर देखो ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है, ये ख्वाब कैसा है, ताबीर कैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। तस्वीर ऐसी है They say I am blind But I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox & Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों बहुत बहुत खैर मकदम है आपका एक बार फिर से, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं एक लिसनर जी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अंदाज अपना अपना की इस महफिल में। गुड इवनिंग साहब सर, और गुड इवनिंग रेडियो उड़ान के सारे लिसनर्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजे आकिब, कश्मीर से बात कर रहा हूँ, और अंदाज अपना अपना में शामिल होके सर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा तो यहाँ आके लग रहा है, लेकिन जो आज हमने पढ़ा, जो आज हमने सुना, वो सुन के सर आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे ऐसे भी चीज़ें ज़माने में होती हैं। आप सुनोगे तो सर आपको भी, मुझे यकीन है कि आप भी ये सुन के दुखी हो जाओगे। अगर आप सुनना चाहोगे तो सर मैं बता दूं जी क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है बताएं, इसकी वजह से आप इतने परेशान हैं। अभी 2-3 घंटे पहले हिंदुस्तान टाइम्स और NDTV पे एक न्यूज़ आई है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली में जो एक ब्रांच है नैब की, वहाँ पे एक ब्रिटिश डोनर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन करते थे, तो उन्होंने एक खतरनाक किस्म की हरकतें की हैं वहाँ पे। कई टाइम से वो चली आ रही हैं। मरे भैया उनको वो नैब में जाने जाते हैं, मरे वार्ड उनका फुल नेम है, और उन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स हैं वहाँ पे, जो हमारी बहनें रहती हैं, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है, और बहुत टाइम से ये चीज़ चली आ रही है। और इसमें जो कटिंग न्यूज़ आई है, इसमें लिखा है कि उन्होंने जो है इन गर्ल्स की वीडियोस भी बनाई हैं, जो अब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है और उन्हें रिमांड पे ले लिया गया है। लेकिन दुखद की बात यह है सर कि जो नैब का स्टाफ है उनको इस बारे में पता भी है, और उनको कई बार इस बारे में आगाह भी किया गया, पर फिर भी उन्होंने इस पे कोई एक्शन ना लिया। तो इस चीज़ से हमें ज़्यादा दुख होता है कि जो संस्था चलाते हैं, जो संस्था के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका जो स्टाफ है, उनको इन चीज़ों के बारे में पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इससे ज़्यादा दुख होता है कि डोनर्स को फुल फ्लेज्ड उनको मतलब अप्रूवल दिया जाता है कि वो किसी भी रूम में जाके घुस सकते हैं, हॉस्टल में कहीं भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमारे समाज में होती है, बहुत दुख होता है इन चीज़ों से। ये बहुत ही जघन्य अपराध है ये, और हम इस रेडियो उड़ान के माध्यम से तमाम उन पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेरी बेटी भी वहाँ पढ़ती है, मुझे ये पता लगा कल ही, और मैं उन तमाम लोगों के साथ हूँ, और हम ये चाहेंगे कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके उस अवार्ड नाम के व्यक्ति को दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ा कसूर है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की बेकार है। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बच्चों के पेरेंट्स को ऊपर जाना अलाउ नहीं करती, वहाँ मरे वार्ड जैसे लोग लड़कों के कमरों में, लड़कियों के कमरों तक पहुँच जाते हैं किसी भी वक्त, ये क्यों, ऐसा क्यों है? जिनके बच्चे रहते हैं उन पेरेंट्स को आप अलाउ नहीं करते,
वो इंसान जो आपको पैसे देता है, जो आपके आगे पैसे डाल देता है, उस पैसे की खातिर, उस पैसे के लालच में आके आप उसे कुछ भी करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। मैं इन तमाम सर लोगों से गुजारिश करता हूं जिनके बच्चे वहां हैं, और वो तमाम लोग जो के मां बाप हैं, इस बात को हाईलाइट करें और इस पर जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ किया जा सके लें। मैं जानता हूं मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, हो सकता है उसके साथ भी उसको भी किसी तरह से परेशान किया जाए ये बात सुनने के बाद, क्योंकि ये बात नैप की अथॉरिटीज भी सुन रही होंगी, हो सकता है Absolutely. उसके बाद Absolutely. उसको भी तकलीफ दी जाए। खैर, इसके लिए हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन हम सब से ये गुजारिश करेंगे कि इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लें, और नैप से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आप कम से कम अपनी छवि को सुधारें और इस तरह की चीजों से गुरेज करें। बच्चों की सिक्योरिटी हमारे क्या है इस बात को तय करें। सर मैं एज एन आरजे ऑफ रेडियो उड़ान जो एक मीडिया कंपनी है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इस मामले को तूल दे, क्योंकि ये चीजें मीडिया में आती हैं, जब आती है तो इनको दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। नैप की छवि जो पहले से इतनी खराब है, लेकिन फिर भी वो आपको सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। मैं वहां एज ए ट्रेनिंग करके आया और मुझे वहां के माहौल के बारे में पूरा पता है जी। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो है बहुत वो थोड़ा सा ध्यान देगा और बच्चों की सिक्योरिटी पर ध्यान देगा, और आगे इस तरह के हालात ना पैदा हो। किसी डोनर को, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको कम से कम इतनी प्राइवेसी तक जाने की परमिशन किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान का कैरेक्टर भी तय करती हैं, एक सही मापदंड तय करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था बच्चों को, बच्चों के वेलफेयर के लिए बनाई गई है, ना कि बच्चों की बर्बादी के लिए। खैर, आप बताएं आपके आप क्या सुनना पसंद करेंगे। सर अभी एक गाना सुनाने से पहले, जो जुल्फों पे आपने सुनाया था, उससे पहले आप मोहब्बत की बातें कर रहे थे, महबूब आशिक माशूक उससे बातें कर रहे थे, तो एक मूवी आई थी दिल का क्या कसूर, तो उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की मोहब्बत दिखाई गई थी उस लड़की की। जी जी बेशक। तो उस मूवी का एक गाना है कि मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनना चाहता हूँ सर। जी तो जी, हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में ये गीत। आपकी आमद का आकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।
मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। हो होती है बेदर्द बहुत ही इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से न गुजरना, शीशे जैसे अरमां लेकर राहों से न गुजरना, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो टूट जाता है। कभी न करना वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। Love. One song that I wrote. Breakup. She called me bhaiya. Romance. Ab tere hawale karun. Affair. Karne lage hame sharmi. Expose. Jo duniya karegi padhaiyan puriyan te munda hai te kivi biye vichon fail ho gaya te munda hai te kivi biye vichon fail ho gaya. Latest songs. काली काली एन कापा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गड़ी वाड़ी दा। Movies. पंजाब। Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ every Saturday शाम 7 to 8 only on Radio Udaan. A flight of life. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी दोस्तों, खैर मकदम में आपका एक बार फिर से अंदाज अपना अपना की इस खूबसूरत महफिल में। देखिए दोस्तों, 8:30 बजे हैं, तकरीबन आधा प्रोग्राम जा चुका है और आप लोग सिर्फ एक साथ आकिब साहब सिर्फ हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। बाकी आप लोगों का हम इंतजार कर रहे हैं, न जाने कब हमारी किस्मत चमकेगी और आप लोग इस शो में तशरीफ लाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोहब्बत की, महबूब की, जुल्फों की और दिल की। अक्सर जुल्फों में दिल अटक जाया करता है दोस्तों, लेकिन जब जब जुल्फों में दिल अटक जाता है ना, तो बड़ी परेशानी का आलम होता है, क्योंकि जुल्फें तो बहुत ही पेचीदा होती हैं और दिल जब जुल्फों में अटक कर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, तो वो जहां होता है बेचारा वो वहीं लौट आता है। खैर, महबूब और महबूबा, इन दोनों की मोहब्बत का बड़ा अजीब और गरीब आलम होता है दोस्तों। कुछ लोग जुल्फों की बात करते हैं, कुछ लोग तो यहां तक आ जाते हैं कि वो पलकों की झालर बनाते हैं, यानी अपने महबूब के लिए वो अपनी पलकों की झालर बना देना चाहते हैं। इस कदर मोहब्बत, इस कदर ऐसी चीजें जो कि हो ही नहीं सकती, उनको मोहब्बत में कल्पित कर लिया जाता है और उनसे बड़ा ही खूबसूरत पोर्ट्रेट, बहुत खूबसूरत इमेज बनाया जाता है। कैसे? ऐसे। Thank you.
NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। నమస్కారం, ఆమె బాంగ్లా అవాజ్ పాయా। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను। వణకం, నాన్ తమిళిన కురల్ వాణి। నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూ। హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్। జబ్ యే ఇండియన్ వాయిసెస్ ఏక్ సాథ్ స్క్రీన్ రీడర్ సాఫ్ట్వేర్ మే జుడ్తీ హై తో బన్తా హై ఇండో NVDA।
तो दोस्तों अब आप खुद को इंडो एनवीडीए के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में एनवीडीए की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो एनवीडीए खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक आरजे जो कि बायोस्कोप और उसके साथ साथ आजकल बोलती तस्वीरों में भी अपना जलवा दिखा रही बिखेर रही हैं, निकिता जी पाटिल। निकिता पाटिल जी आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अंदाज अपना अपना में। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ सर। और अब हर तरह मतलब मैंने सोचा है कि प्रेजेंट ही लगाई जाए हर बार अंदाज अपना अपना में। सही कहा भाई, कोप को थोड़ा ब्रेक दिया हुआ है पर फिर भी दूसरे प्रोग्राम्स के जरिए मैं हमेशा आती रहूँगी, फिर बोलती तस्वीरें हो या गीत गाता चलो। तो सर सर अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे गाने सुने जाए जो मोस्टली हम कहीं सुन नहीं पाते, बट आपका ऐसा एक शो है जो हमेशा ऐसे गाने चलाता है जो हम चाहते हैं वो गीत वहाँ पे चलते हैं और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा कोई भी गीत हो कि जिसके हम कहेंगे कि ये हमें ये गीत हमें सुनाइए तो आप कभी ना नहीं बोलते। जी हमारी कोशिश तो देखिए यही होती है कि हम कभी ना ना बोलें, अगर हमारी कोई मजबूरी ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम सुनवाएंगे। आज बताइए मैं आपकी श्रोताओं से जरूर कहूंगी कि जितने गाने सैफ सर के पास है वो कितने नहीं, बहुत सारे गाने, बहुत सारा खजीना खजीना है, हम मराठी में जिस तरह बोलते हैं खजाना हम सैफ सर के पास है। कोई भी गाना कहे तो अभी के अभी सैफ सर बजाइए तो वो कभी मना नहीं करेंगे। बहुत बड़ा ये आपका एहसान है आप ऐसा सोचती हैं, वरना हम तो उस तरह के लोगों में से जो कहते हैं कि जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या, बताइए। और सैफ सर मुझे एक मतलब एक आपके लिसनर है जिसका नाम रूपा गुप्ता है, वो आपके शो को और आपकी जो बोलने का जो तरीका है उसे बहुत पसंद करती है। उन्होंने मुझे खास कहा था कि जब सैफ सर से आपसे बात होगी तो मेरी ये बात जरूर पहुंचाइएगा, उनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और एक तारीफ में कही थी जैसे कि बहुत कंप्लीट लगते हैं, बहुत सुनने में उनको अच्छा लगता है। इवन उड़ान आइडल में भी जो उनका जजमेंट है जिसे वो बहुत फेयर और बहुत अच्छा मानती है, जहाँ तक वो कह रही थी कि हम बहुत जगह सुनते हैं शो पर वो जज जिस तरह जज का रवैया होता है वो एकदम सैफ सर का बहुत अच्छा लगता है उनको, तो मैंने आप तक ये बात जरूर पहुंचाई है। मैं गीत जी मैं गीत सुनना चाहूंगी। 2006 में एक फिल्म आई थी शादी करके फंस गया यार, उसमें गीत था अलका याग्निक और हरिहरन जी की आवाज में, बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है, साजिद वाजिद का संगीत है, तो वो गीत अगर आप मुझे सुना दे तो बेहतर होगा। जरूर सुनाएंगे और सबसे पहले हम रूपा गुप्ता जी का एहसान उनका शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे लिसनर्स हमारे लिए पूजा है इबादत है, तो हम अपने लिसनर्स के हमेशा परस्तार हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और रूपा गुप्ता जी हम आपके बड़े एहसान मंद हैं कि आपने इस हकीर से इस अदना से इंसान को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि हम ये शेर कहने पर मजबूर हो गए कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता जी आपका भी और रूपा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कदर पसंद किया, और हमेशा वो हमारे लिए दुआएं करें कि हमारा ये कोशिशें इसी तरह कायम रहें और हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारा गला, हमारा दिमाग और हमारी आवाज़ और हमारा दिल हमारा साथ देता रहे ताकि हम आप तमाम लिसनर्स की खिदमत करते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप बिल्कुल, आपके लिए दुआ करेंगे और हमारी दुआ बिल्कुल कबूल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब सर, मुझे जी पेश हमें है, शामिल करने के लिए। पेश है आपका पसंदीदा ये गीत।
विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों सरकारी कार्यालयों स्कूल अस्पताल पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत सशक्त भारत विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैंस के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हम एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आपका अंदाज अपना अपना किस खूबसूरत महफिल में। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे शामे गजल के को होस्ट जो आज आए हैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ। आइए उनसे मिलते हैं। जी आपका खैर मकदम है अंदाज अपना अपना की खूबसूरत महफिल में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर आपने मेरा ही वेलकम मेरे ही अंदाज में किया है जी। और इन्फॉर्मेशन तो जैसे मैं हर बार लेके आता ही हूँ तो इस बार भी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आया हूँ क्योंकि रात को 10 बजे मेरा शो है लेट्स प्ले 2020। उसमें पार्टिसिपेट करें और स्काइप पे मैं आऊंगा आपके साथ और स्काइप पे भी आप जोरों शोरों से रिप्लाई करें, व्हाट्सएप पे भी जोरों शोरों से रिप्लाई करें रात को 10 बजे। और जो व्हाट्सएप का जो नंबर है स्काइप आईडी तो हमारी यही रहेगी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। और जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 8510077340। इस नंबर पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। और बिल्कुल साहब सर मैं आपके शो में एक गाना भी सुनने आया हूँ। वो तो खैर है ही, जाहिर सी बात है जब आप आए हैं तो गाना तो सुनेंगे ही। बिना गाना सुने अगर आप चाहेंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं गाना सुनना चाहता हूँ जो जीता वही सिकंदर मूवी से, वो है गाना यहाँ के हम सिकंदर। बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। आइए बिना वक्त जाया किए, ललित की पहली मूवी थी ये एज ए कंपोजर जी। आइए तो बिना वक्त जाया किए हम ये गीत सुनते हैं। आपकी आमद का वरुण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Ha
जो सब करते हैं यार वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरा। नहीं समझे हैं वो हमें, तो क्या जाता है हमारी बाजी को जीतना, हमें आता है अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे पंगा मत लेना मेरा। नहीं समझे है वो हमें, जाता है हारी बाजी को जीतना, हमें आता है। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और अगला शो बोलती तस्वीरें तैयार है, क्योंकि इतना वक्त हमारे पास नहीं है। बस हम आपसे यही दुआएं करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि आप हमेशा सच का साथ दें और जो घटनाएं आपके सामने आ रही हैं उन पर ध्यान दें और उनका निदान निकालने की कोशिश करें, उसका प्रतिकार करें, उसको मजम्मत करें, उसको कंडेम करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गुड नाइट, शिवरात्रि शुभ। ये भोली भाली मतवाली परियां जो है अब दौलत पे कुर्बान, जब भी मंजिल की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हम भी है शहजादे कुर्बान। नहीं समझे है वो हमें, तो क्या जाता है हारी बाजी को जीतना, हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूमके, धरती डोलेगी ये कदम झूमके, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूमके, धरती डोलेगी ये कदम झूमके।